please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में खाद्य विभाग ने छापा मारकर 6 क्विंटल नकली मावा जब्त किया। खाद्य विभाग ने होली से पहले पूरे राज्य में नकली दूध, मावे और पनीर के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। इसी कड़ी में अधिकारियों को पता चला कि कुछ लोग कानपुर से नकली मावा बेचने गोरखपुर उसे ला रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस रेलवे स्टेशन के पास खाद्य विभाग के अफसरों ने एक बस की तलाशी ली जिसमें 6 क्विंटल नकली मावा बरामद हुआ। लेकिन इस बीच मावा सप्लाई करने के आरोप में मौके से जो आरोपी हैं वो फरार हो गए। हुआ का लावारिस पड़ा हुआ है। एक्चुअली होता क्या है कि वो लोग जब माल उतरता है तो ले जाने वाले पहले मुआयना करते हैं, कोई आसपास तो अधिकारी वगैरह नहीं है। तब तक मेरी खाद्य सुरक्षा अधिकारी वहाँ पहुँच चुकी थी, इसीलिए कोई दावेदार आया नहीं। मैं फिर यहाँ आधे घंटे बाद पहुँचा और अब ये जो है खोआ, इसको ऑफिस ले जाया जा रहा है। दिल्ली के पास नोएडा में बदमाशों ने कारोबारी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने कारोबारी के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद गुस्साए लोगों पर पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में एक आदमी पर एक तरफा प्यार में एक छात्रा की हत्या के बाद खुदकुशी करने का आरोप लगा। उत्तर प्रदेश के बागपत में लूट की नाकाम कोशिश के बाद एक दुकानदार को गोली मारकर भाग रहे बदमाशों में एक को गांव वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस की गिरफ्त से भागे एक आरोपी की सड़क हादसे में मौत के बाद गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में मथुरा के गांव में होली मिलन समारोह के दौरान एक लड़का मंच पर चढ़कर एक डांसर के साथ नाचने की जिद करने लगा। आरोप है कि जब लोगों ने इस लड़के को डांसर के साथ नाचने से रोका तो उसने गोली चला दी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस घटना का मोबाइल वीडियो भी सामने आया जिसमें साफ दिखा कि कार्यक्रम के दौरान एक लड़का मंच पर चढ़कर डांसर के साथ नाचने की जिद करने लगा। मंच पर खड़े एक लड़के ने उसे रोकने की कोशिश की और धक्का देकर उसे मंच से नीचे उतार दिया, लेकिन इसके तुरंत बाद आरोपी लड़के ने गोली चला दी।